अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज से हम एक नई सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं जिसमें हम अपने नाज़रीन को फैब्रिक पेंटिंग करना सिखाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सीरीज़ भी आपको बहुत पसंद आएगी। ये इस सिलसिले की पहली वीडियो है। मैं अपने चैनल पर नए आने वाले नाज़रीन से दरख्वास्त करूँगी कि प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आपकी नॉलेज में इजाफ़ा करे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और कॉमेंट करना ना भूलिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। फैब्रिक पेंटिंग के लिए मैंने एक दुपट्टा पहले से बाज़ार से ख़रीद के रखा हुआ है। ये लॉन का दुपट्टा है और इस पर हम आपको फैब्रिक पेंटिंग करना सिखाएंगे। सबसे पहले हम स्टेंसिल की तैयारी करेंगे। स्टेंसिल बनाने के लिए आप कोई भी हार्ड कार्ड लेके उसके ऊपर अपना पैटर्न ड्रॉ करें और कटर की मदद से उसे काट लें। चारों तरफ उस स्टेंसिल के चारों तरफ जो गत्ता है वो होना चाहिए ताकि जब आप पेंट करें तो एक्स्ट्रा पेंट जो है वो आपके कपड़े के ऊपर ना लगे। ये जैसे हमने काट लिया, नीचे हमने थोड़ा सा स्पेस छोड़ा है ताकि स्टेंसिल प्रॉपरली बन जाए, ये आप देख सकते हैं। और अब हम दुपट्टे को तैयार करेंगे। इसके दोनों तरफ जो बॉर्डर है उसके हम मार्जिन एक जितना मार्जिन लेंगे। ये 1/2 इंच का मार्जिन मैंने एक साइड से लिया है और इतना ही मार्जिन मैं दूसरी साइड से लूँगी। अब ये हमारा मार्जिन तैयार है। हमारे पास दो तरह के पेंट्स हैं, एम्बॉस और ग्लिटर पेंट्स, फैब्रिक पेंट्स हैं ये। और ये मुख्तलिफ स्टेंसिल्स मैंने छोटे और बड़े और जो मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हैं वो मैंने तैयार कर लिए हैं। अब हम पेंटिंग करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम पेंट ले लेंगे। ये मैंने ब्लैक कलर में एम्बॉस पेंट लिया है। ये वाटर सॉल्वेबल होते हैं। पानी में हल्की सी आप ब्रश को डिप करें और फिर आप इस पेंट में मिक्स करके इसको यूज़ करें। बहुत पानी ना इस्तेमाल करें क्योंकि उससे ये पेंट फैल भी सकता है। जो स्टेंसिल आप यूज़ करेंगे उसमें जब आप पेंट करना शुरू करें तो अंदर से बाहर की तरफ आप स्ट्रोक्स लगाएं ताकि स्ट्रोक्स जो हैं आपके वो कंट्रोल हों और इससे पेंट भी नहीं फैलेगा, ड्राइंग है वो भी हो जाएगी इसके अंदर। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने इसमें पहला जो अपना फूल है वो इसमें हमने इसमें रंग भरा है। और इसी तरह से आप छोटे और बड़े स्टेंसिल्स तैयार करके उनको जो है अपने दुपट्टे पे या शर्ट पे या जिस भी किस्म की आपकी चीज़ है उसके ऊपर आप इसको लगा सकते हैं। ये आप देखिए मैंने मुख्तलिफ जो है वो स्टेंसिल्स यूज़ किए हैं, मुख्तलिफ कलर स्कीम्स मैंने यूज़ की हैं। आप अपने मुताबिक इसको बना सकते हैं। ये आप देखिए इस तरह से हमारे पास ये पैटर्न जो है वो दुपट्टे के ऊपर आ गया है। और अलोंग द साइड्स जो है वो हमने इसकी जो लंबी साइड्स हैं उस तरफ भी मैंने कुछ फूल इसमें इसी तरह से पेंट कर दिए हैं। ये आप देखिए जब एक दफ़ा ये आपका सारा पेंट मुकम्मल हो जाए तो इसको आपने हवा में रख के या पंखे के नीचे रख के सुखाना है। जब ये सूख जाएगा तो उल्टी साइड पे हमने एक पतला दुपट्टा और रख के या कोई भी पतली चादर रख के हमने इसके ऊपर फुल गर्म इस्त्री करके इसको फिक्स करना है इस पेंट को। ये अब हमारा पूरा दुपट्टा प्रिपेयर हो चुका है। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना हरगिज़ ना भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।